हेलो फ्रेंड्स, कदम आउट चैनल स्पोर्ट क्रिकेट में मैं आपको क्रिकेट बड़ी खबर बताऊं। क्लिक सबसे पहले अगर आपने चैनल फ्राइव ने क्या चैनल फ्राइव बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपके क्रिकेट वो मिल सके। पहले बड़ी खबर क्या करें, अपने कल की आ रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की ऑल सेट की बड़ी खबर। आपसे सिर्फ एक घंटा बचा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के से शुरू होने, और बात की जाए तो कल का दिन पूरी तरह से बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया था, लेकिन आज एक रिपोर्ट निकल के आ रही कि आज क्रिकेट होगी। और बात की जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच में आज टॉस भी होगा और खेल भी होगा। ये बहुत ही अच्छी खबर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। सिर्फ एक घंटा बचा है अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए और आधा घंटा बचा है टॉस के लिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन खबर निकल के कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए आज खेल जरूर होगा। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है स्मृति मंदना के वाले सद की बड़ी खबर। इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाज यानी वुमेन्स ओपनिंग बल्लेबाज के मुताबिक इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो वुमेन्स में मैच खेला जा रहा है उनके मुताबिक इस वक्त भी हम अच्छी पोजीशन में हैं। उनके मुताबिक अगर हम 200 तक भी टारगेट देते हैं तो हमारी टीम के जीतने के चांस है। उनके मुताबिक अभी भी हम अच्छी पोजीशन पे हैं और अब हमें चाहिए कि जो सेकंड इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को फायदा दे और जो बाकी बल्लेबाज हैं उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर हम लगभग 300 से 350 रन जरूर हमें बनाने होंगे, तब जाकर हम इस मैच में जीत सकते हैं। उनके मुताबिक इस वक्त भी हम अच्छी पोजीशन में है, कहना है स्मृति मंदना का। और तीसरी बड़ी खबर कब निकल के आ रही है एरोन फिंच के हवाले से की बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरोन फिंच के मुताबिक सबसे मुश्किलात इस वक्त की अगर बात की जाए तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को ट्रायंगल सीरीज वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के साथ खेलनी होगी, उसी समय IPL 2021 भी खेला जाएगा। उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल यानी हार्ड डिसीजन अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लेता है तो ये सबसे यानी अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक डिसीजन होगा कि क्या खिलाड़ियों को ट्रायंगल सीरीज के लिए जाएगा या खिलाड़ियों को IPL के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी खिलाड़ी हैं बड़ी बड़ी रकम लेकर यानी IPL के यानी अगर बात की जाए तो ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी अगर देखा जाए तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी रहे हैं। अगर बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल से लेकर जेई रिचर्डसन तक और इसके अलावा बात की जाए तो बड़े बड़े क्रिकेटर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही सबसे महंगे खिलाड़ी, पैट कमिंस भी सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। और अगर देखा जाए तो ये सबसे मुश्किल काम होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो खिलाड़ियों को ट्रायंगल सीरीज खेलने के लिए भेजेंगे या वो IPL खेलने के लिए भेजेंगे। अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, अभी और रिपोर्ट आएगी तो उस पर और कंफर्मेशन लेके आएंगे हम, लेकिन उनके मुताबिक अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं कि खिलाड़ी IPL खेलेंगे या वो ट्रायंगल सीरीज खेलेंगे, कहना है एरोन फिंच का। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल पर आई थी, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अपडेट मिल सके। थैंक यू।